हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही ज़्यादा टेस्टी झटपट बनने वाला चटपटा इजी नाश्ता। तो आज हम मुरमुरा नाश्ता बनाने जा रहे हैं। अगर आपके घर में मुरमुरे हैं तो आप इसे 5 मिनट में बना सकते हैं, बहुत ही झटपट बनकर रेडी हो जाता है, खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगता है। तो कुछ चटपटा खाने का मन कर रहा है तो बहुत ही क्विकली ईजिली आप इसे बना सकते हैं। तो पूरा वीडियो ज़रूर देखिए और इसे ज़रूर घर पर एक बार ट्राई करें। और अगर आपको ही हमारे वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकॉन पर ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अब हम गैस पर बर्तन में थोड़ा सा ऑयल लेंगे। सबसे पहले ये हमने थोड़े से कच्चे मूंगफली के दाने लिए हैं, वो हम इसमें ऐड करेंगे। तो मूंगफली के दानों को हमें ऑयल में फ्राई करना है थोड़ा। तो देखिए हमने मूंगफली को फ्राई कर लिया है लाइट गोल्डन। अब इसे हम ऑयल से बाहर निकालेंगे। 1/4 चम्मच अब इसमें हम सरसों ऐड करेंगे उसी ऑयल में। 2 पिंच हींग, थोड़ा सा तेज पत्ता लिया है हमने वो ऐड करेंगे। 1 कटके हुए प्याज ऐड करेंगे। 2 कटके हुए हरी मिर्च। थोड़ी देर हम इसे फ्राई होने देंगे। तो देखिए इसको हमने थोड़ा फ्राई कर लिया है। अभी हमने 2 टमाटर लिए हैं वो हम इसमें ऐड करेंगे। इसमें से थोड़ा सा टमाटर हमने बचा लिया है। 1/4 टीस्पून रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे। तीखा आप अपने टेस्ट अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं, जितना चटपटा खाना पसंद करते हो। ये हमने थोड़ा सा हल्दी पाउडर लिया है। नमक ऐड करेंगे इसमें हम टेस्ट के अकॉर्डिंग। इसे हम 2 मिनट फ्राई होने देंगे लो मीडियम फ्लेम पर। अभी हमने 200 ग्राम मुरमुरे लिए हैं, इसमें हम नॉर्मल पानी ऐड करेंगे। तो देखिए ये मुरमुरे को हम 1 मिनट इसी पानी में रहने देंगे और 1 मिनट बाद हम इसे एक छन्नी में डाल के इसके पानी को निकाल देंगे। तो ये 2 मिनट हमने मसाले को भून लिया है। तो देखिए ये मुरमुरे को हमने साफ पानी से धो के 1 मिनट रख के उसको एक छन्नी में डाल के छान लिया और इसे 1 मिनट उसी में सोख होने दिया छन्नी में, जैसे कि इसका सारा पानी निकल जाए। तो इसे हम इसमें ऐड करेंगे। अब गैस की फ्लेम को हम मीडियम पे कर देंगे। अब इसमें हम थोड़ा सा चाट मसाला ऐड करेंगे। 1 चम्मच इमली की चटनी ऐड करेंगे। धनिया ऐड करेंगे इसमें। अब जो हमने मूंगफली के दानों को फ्राई किया था वो हम इसमें ऐड करेंगे। सारी डालेंगे, थोड़ा बचा लेंगे उसमें से। बहुत ही झटपट और बहुत ही टेस्टी ये नाश्ता लगता है खाने में, बिल्कुल झटपट बनकर रेडी हो जाता है। अगर आप इसे एक बार बना के खाओगे, इसके आगे आपको पोहे आलू और भेलपूरी भी फीकी लगेगी, इतना ज़्यादा स्वादिष्ट ये नाश्ता लगता है खाने में, एकदम चटपटा। और देखिए यहाँ पे इसमें हमने चाट मसाले का यूज़ किया है, तो नमक उस हिसाब से आप इसमें डालें। तो लीजिए हमारा बिल्कुल झटपट ये नाश्ता बनकर रेडी हो चुका है चटपटा। अब इसकी हम प्लेटिंग कर लेंगे। तो इसे हमने एक सर्विंग प्लेट में निकाल लिया है। अब जो हमारे बचा हुआ टमाटर था जो हमने बचा लिया था, उसको हम इसके ऊपर गार्निश करेंगे। बहुत ही अलग तरीके का और बहुत ही झटपट बनने वाला टेस्टी नाश्ता है ये। थोड़ा सा मूंगफली जो बचाई थी वो ऊपर से गार्निश करेंगे। तो लीजिए हमारा झटपट बहुत ही ज़्यादा चटपटा टेस्टी मुरमुरा नाश्ता सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो बहुत ही खाने में टेस्टी लगता है, झटपट बनकर रेडी हो जाता है। आप इसे ज़रूर घर पर एक बार ट्राई करें, बिल्कुल आसान रेसिपी है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ही हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आप अपने प्यारे से कमेंट में भी सकते हैं। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। हमारे लेटेस्ट वीडियो अपडेट के लिए बेल आइकॉन पर ऑल पर क्लिक करना ना भूलें। अब हम आपको मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।